सेंट फ्रेंड दिए उसमें क्या कुछ कहना चाहेंगे बिगेस्ट स्टूडेंट आर्टिस्ट व्हाट यू हैव टू से अबाउट दिस कैसी लगी आपको कोविड लाइक आई जब मैं ज्योति जी के घर में गया था तो इनकी पेंटिंग देख के पहले तो मैंने कहा कि आपको बहुत कुछ करना है, लेकिन जब एग्जीबिशन में आया और जो डिस्प्ले मैंने देखा है वो इतना एक्सलेंट डिस्प्ले है और काफ़ी सुंदरता के साथ इन्होंने डिस्प्ले किया है और अलग अलग आई लाइक द मंडला मंडला में इन्होंने जो एक मेहनत की है एक उभार एक और कलर स्कीम और जैसे जैसे आगे जाएंगे आपको एकदम कलरफुल चीज़ें मिलती जाएगी और इस तरफ आएंगे तो आपको फ्लावर्स है इस तरफ आएंगे इन्होंने हर चीज़ की स्टडी की है और वहाँ जाएंगे तो इनकी 30-40 साल पहले की भी पेंटिंग है इसका मतलब ये कंटिन्यू रियाज करती हैं पेंटिंग करती हैं तो मुझे काफ़ी खुशी है कि एक घर में रह के इस तरह का काम करना अपने स्टूडियो में मतलब इनके घर में जब गया तो इन्होंने एक एक चीज़ एक एक पेंटिंग इतनी संभाल के रखी हुई है और काफ़ी सुंदरता से डिस्प्ले किया और मुझे वो राम और हनुमान का जो स्केच बना है वो भी बड़ा सुंदर लगा है त्रिदेव तो ज्योति जी को बहुत बहुत बधाई थैंक यू सो मच और इन्होंने मुझे बुला के सम्मान दिया उसका भी आभार मेरे को सम्मान मिला है ऑन द कंट्री थैंक यू हम क्या कहना चाहेंगे फॉर्म में आपने महारत हासिल की है हम अगर देखें यहाँ से यहाँ तक तो एक अलग अलग पेंटिंग्स हमें दिखाई देती है और प्रोसेस कैसे आपने सोचा ये अलग अलग चीजें करना कई अलग अलग पीरियड में आपने किया है कैसे अलग नहीं मेरा कंटिन्यूस पीरियड रहा लेकिन बीच में देयर वाज अ ब्रेक फॉर 15-20 इयर्स But then again I picked up and this is my meditation, my passion, my love. Like at night if I don't sleep, then I get up and I sit in my studio and I work. And it gives me a peace of mind. I like it very much. Middle Arts पर भी आपका एक अलग ही शोध है कहा जाए तो अच्छा खासा आपने बनाया है उस पर क्या कहेंगे इस बारे में Yeah, wherever I travel, no, I just see the things and pick up and then sketch them. Try to sketch them, try to color them. देखो मंडला का ऐसा ना मंडला जो योगा करता है या थोड़ा भी समझता है वो मंडला के मेडिटेशन में पूरा पेंटिंग बना सकता है काफी आर्टिस्ट खाली पेंटिंग करते हैं लेकिन वो पेंटिंग के साथ मेडिटेशन और ये करते हैं तो उनको फिर वो आकार मिल जाते हैं अपने आप आकार डेवलप होते जाते हैं और इनमें एक चीज मैंने देखी मंडला के साथ इन्होंने फ्लावर्स है ये मतलब हर चीज को स्टडी किया ये अब मैं इनको एक सलाह दे रहा हूँ कि अब एक ये सब छोड़ के एक ही रास्ते पे वो आपने सलाह दी मुझे और मैंने ले ली है लेकिन बहुत सुंदर शो है काफी लोग आएंगे देखेंगे स्कूल के बच्चे वगैरह ये जो कैसे एक आर्टिस्ट की जर्नी पूरी जर्नी जो है ना धीरे धीरे कैसे आगे बढ़ती है तो इन्होंने मुझे पूरी हिस्ट्री इनकी जर्नी बताई है तो वो काफी इंटरेस्टिंग है वो आप पूछो तो बताएंगे कब तक ये पेंटिंग का एग्जीबिशन होने वाला है कब से कब तक उस बारे में बता सकते हो कब तक होने वाला आज से 7 दिन आप जिंदगी के लिए होता है पूरा वीक के लिए पूरे वीक के लिए और नेहरू सेंटर पे तो काफी लोग देखने आते हैं और इनको मैंने एक और सलाह दी कि आर्ट इज फॉर क्लास नॉट फॉर मार्क्स तो जो आएंगे ना वो पेंटिंग जो समझते हैं वही लोग आते हैं वही आते हैं ये कोई कव्वाली का प्रोग्राम नहीं है ऐसा नहीं काफी भीड़ थी हमको भीड़ नहीं चाहिए हमको जो पेंटिंग समझते हैं वो चाहिए कितनी पेंटिंग्स है और कितना वक्त लगता है किसी एक पेंटिंग को बनाने इट डिपेंड्स ऑन द मूड एंड द टाइम एंड आई स्पेंड यू नो पैशन होती है तो कभी कभी पेंटिंग शुरू करो और फिनिश करके उठते हैं आपको तो ये चीज का एक्सपीरियंस ज्यादा है और कभी कभी हो जाता है ऐसा कि ब्रेक आ जाता है बीच में तो आर्टिस्ट के लिए ब्रेक लेना जरूरी है समटाइम्स इट हैपेंस समटाइम्स ओके पब्लिकली क्या कहना चाहेंगे मैसेज कर रहे हैं इट्स मोर देन 200 कोई ऐसे पेंटिंग जो आपको बहुत ज्यादा वक्त लगा बनाने में या बहुत स्पेशल है आपके आपको सारे पेंटिंग जो मेरे सब पेंटिंग मेरे लिए स्पेशल है सब बच्चे इनके ही है तो कोई भी बच्चा ज्यादा प्यारा है ज्यादा कम ऐसा नहीं मेरे सब मेरे सब पेंटिंग मेरे लिए बहुत प्यारी है बहुत ही प्यारी जैसे भी खास जगह है
काफी चीजें कलेक्ट की है या माइथोलॉजिकल जब मैं बनाती हूँ ये सब शिवा का और नंदी बनाई है मैंने और महाकाली बिकॉज आई एम फ्रॉम कैलकटा तो मेरे को काली माता का बहुत है तो आई एंजॉय मोर यस। और एक बात बोलो ये कलकत्ता का जो बात कर रहे हैं कलकत्ता में घर घर में कल्चर जो होता है ना आर्ट का म्यूजिक का तो वो इनकी जड़ों में है इसलिए ये सारी चीजें आप देखने को मिल रही है। मेरे जो फर्स्ट टीचर थे गुरु थे वो कलकत्ता में ही थे और दे वर वेरी लविंग टीचर बट वेरी स्ट्रिक्ट अगेन इफ यू डोंट कैरी योर ओन स्टफ ऑफ पेंटिंग लाइक कैनवास एंड कलर्स एंड ऑल देन ही विल से गो बैक होम। आपने मदर टेरेसा में देखा ही होगा हर आर्टिस्ट कलकत्ता के आर्टिस्ट बंगाल के आर्टिस्ट ने मदर टेरेसा जरूर बनाई है तो इन्होंने भी काफी वो उसका एक भाव जो है ना वो बड़ा सुंदर इनका बहुत बड़प्पन है। आगे मेरा तो काम चालू ही रहेगा नो ब्रेक आई एम गोइंग टू कंटिन्यू द सेम थिंग whether I am in India or in America but I am going to continue to see it. thank you आप मिले कैसे पहले तो ये बताओ। Ours was an arranged marriage. अच्छा अच्छा she flew from Calcutta to Mumbai and that time I was doing photography so we met in our studio and then we got married and her painting was continuing since that time then the children came in the life and then she took a break in between and again she started but she never stopped her various activities she is basically an artist not only in painting but in all other fields as well whether it is cooking whether it is handicrafts whether it is jewelry designing whether it is cloth designing she has done everything and she has never stopped and again she picked up the painting about after a break of about 20 years and then she has continued हम क्या सपोर्ट करेंगे ये तो हमेशा सपोर्ट करते हैं ऑलवेज ही एनकरेजेस मी अ लॉट या ही एनकरेजेस मी अ लॉट जैसे कि जेरी में गए थे एक ब्रश मैंने देखा तो उसने बोला $125 तो मैंने बोला जाने तो नहीं लेना है मेरे को ही सेड यू बाय दैट व्हाई नॉट सो दैट इज व्हाट Like he always ये फोटोग्राफर इनको मालूम है कि कैमरा कितना महंगा तो ब्रश कितना चाहिए। डॉटर जो दे हैव अ से हाउ मच योर डैड इज सपोर्टिव से से लाउडली वर्क एंड परसू हर क्रिएटिव आर्ट he is her biggest champion so we are all very grateful for that he always he's the biggest critic also and our biggest champion also He's very good critic, very good critic. मुझे सब पसंद है। उसको सब पसंद है। और मेरी डॉटर बोलती है। अगर आप चूज करने को बोलेंगे तो जो ओम पेंटिंग है वहाँ पर, that is my best. And he also, do you also like the Tridev you said? Tridev is also. Tridev also. मेरे को बहुत अच्छा लगा। The idea itself is some novelty. उनको देख के कोई नहीं बोलेगा शी इज एज बायोलॉजिकली ओल्ड दैट यू नो द सर्टिफिकेट सेज शी गेट्स यंगर विद एज एंड हर पेंटिंग शोज दैट व्हाट यू नो वी एज यंगस्टर्स कैन डू अ पैशनेट स्पिरिचुअल आर्टिस्ट कैन ब्रिंग आउट इनटू अवर कलर्स ईच एंड एवरी पेंटिंग इज एन इंस्पिरेशन ट्रस्ट मी द कर्व्स एंड द लाइंस You look into it for a few seconds and I trust you, you'll go into that same zone where painting came from. Lovely, lovely work. Thank you. I have known Jyoti Ben for more than 45 years. And actually I should call her Jyoti Mama, but I still call her Jyoti Ben. And since I have known her, I have appreciated her artistic bent, her passion for anything that is beautiful, and she creates beauty. And right from painting to jewelry designing to dress designing to makeup, making us look beautiful. And that's what she did when I got married. She got me dressed. And so I cannot forget her enthusiasm. And every time I meet her, I am inspired by her drive, her positivity,
and her artistic bent. And I hope you continue this till we are. Yeah. Definitely, yes. Definitely. Yeah. With you, so I really have it. And I wish I get as talented as her. This is Sheetal's mom. Sheetal and Sheetal's mom. She is always there in any inauguration of mine. Any. Like dress designing, she is there. Bookery, she is there. Always. I'm telling you, she's fantastic in each and every field. She sees success 100%. She doesn't want 99%. Whatever the arts or housewarming or housekeeping, everything she is fine, she is very good. She is a good cooking, performing, everything is very good. Bobby Gujarati ma bolo. Gujarati. She's always been creative, always had her love for things, but over the years her love for painting shows all around this exhibition hall. And whenever I go to her house, I see her always painting. It brings her so much calmness. She is at, when she's in her studio, I think that's her best time that she spends. And to see her happy like this, and this exhibition is a fruit of all her labor. Yes. And I wish her all the best. Thank you so much. This is my meditation and always positive thinking. It's always been very, very encouraging to me. Auntie wants to say that Jyoti Auntie, for everyone else, in a day we get 24 hours. Jyoti Auntie has 48 hours. That's how much she is working. That's how much she works and how much hard work she puts. And perfect. And we all wish her all the best. Thank you. In her influence, my daughter. She always praises me. Whatever she actually sees. Right from beginning, she always praises me. Look, I have this look of this and it is amazing, and we are very proud, and even my school is very proud of her. Thank you. We will put in our group. She is a scholar girl. No, but really we are very proud. Thank you so much. We have seen her studio and everything, whatever effort she put. Really, it's amazing. Thank you so much. Thank you. Thank you.